अब हम देखते हैं कि CGPA और परसेंटेज कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये सेमेस्टर स्कीम में राजस्थान यूनिवर्सिटी में CGPA और परसेंटेज कैलकुलेट करने का मेथड है। ये मार्कशीट के पीछे लिखा होता है, हम उसी को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से काम करता है और हम उसको प्रोग्राम में लिखकर किस तरह से काम करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मार्कशीट के पीछे क्या लिखा होता है। तो ये एक मार्कशीट के पीछे का स्क्रीनशॉट है जो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। इस स्क्रीनशॉट में हमें दो टेबल्स दिख रही हैं। हम इनको टाइप कर लेते हैं जिससे थोड़ी अच्छी दिखाई दे। तो टाइप करने पर ये इस तरह से दिखाई देती है। हम इन दोनों टेबल्स को थोड़ा जूम करके देखते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। तो जूम करने पर लेफ्ट साइड की टेबल इस तरह से दिखाई देती है, ये टाइप की हुई है। अब इसमें सिक्स कॉलम्स हैं और उन छह कॉलम में पहला कॉलम है जो CGPA बताता है, दूसरा कॉलम ग्रेड बताता है, तीसरा कॉलम ग्रेड पॉइंट बताता है, चौथा डेफिनेशन, पांचवा परसेंटेज एंड छठा 0.1% के कोरस्पॉन्ड 0.1 CGPA के कोरस्पॉन्डिंग परसेंटेज कितनी है। मतलब यहाँ पर यदि किसी का CGPA 5.5 से 6 के बीच में है तो उसको ओ ग्रेड माना जाता है, उसको ग्रेड 0.6 मिलते हैं, उसकी डेफिनेशन उसको आउटस्टैंडिंग कहा जाता है, उसकी परसेंटेज 75 से 100 के बीच में होती है, और 0.1 CGPA का मतलब परसेंटेज में 0.5 है, मतलब 50%। हम दूसरे तरीके से देखें, इस कॉलम में CGPA में 0.5 का चेंज होता है, परसेंटेज में 25 का चेंज होता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट रो में लिखा है CGPA 4.5 से 5.49। यहाँ पर CGPA में 0.5 का चेंज होता है, CGPA में 1 का चेंज होता है और ग्रेड ए है, ग्रेड 0.5 है, डेफिनेशन इसको वेरी गुड ग्रेड कहा गया है, परसेंटेज यहाँ 65 से 74 चेंज हो रहे हैं, मतलब 1 CGPA के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ 10% चेंज हो रहा है। इसका मतलब 0.1 CGPA के कोरस्पॉन्डिंग 0.1 चेंज आ रहा है, तो इसको हम 10% कहेंगे। इसके अलावा आगे गुड, एवरेज, बिलो एवरेज, पुअर एंड फेल ग्रेड दी गई हैं। नीचे कैलकुलेशंस भी दी गई हैं इसी टेबल में, जिनमें करीबन 6 कैलकुलेशंस दी गई हैं। जैसे सबसे पहली कैलकुलेशन दिया है कि यदि आपका CGPA 5.73 है तो इसके इक्विवेलेंट परसेंटेज 86.5 है। अब CGPA 5.73 के को इक्विवेलेंट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की गई, इसके लिए हम एक सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं। 5.73 फर्स्ट रो में लिखी हुई CGPA के इक्विवेलेंट है, मतलब फर्स्ट रो में हम यहाँ पर लिखा हुआ है 5.50 to 6.00। इसके कोरस्पॉन्डिंग CGPA 5.73 है, मतलब इनके बीच में हम 5.5 के कोरस्पॉन्डिंग परसेंटेज 75 ले रहे हैं, 6 के कोरस्पॉन्डिंग 100% ले रहे हैं। तो हम यहाँ कम वाले से स्टार्ट करते हैं, हम 5.5 के कोरस्पॉन्डिंग 75% लिख लेते हैं। फिर 5.73 जहाँ पर हमें निकालना, जिसकी CGPA के लिए कैलकुलेट करना, उसमें से 5.50 घटाते हैं,
कम करते हैं, जब 5.73 में से 5.50 कम करते हैं तो हमें 0.23 मिलता है। उसको 0.23 को हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 0.1 CGPA कॉरस्पॉन्डिंग 0.5% में 0.5 लिया है, इसलिए हम उसको 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। 50% का मतलब होता है 0.5, तो हमें मिलता है 11.5। क्योंकि 5.5 के कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज 75 थी, उसमें हम 11.5 ऐड करते हैं तो 86.5 मिल जाता है। इसी तरह से आगे CGPA 5.12 के लिए दिया है, 5.12 4.52 5.49 वाली रेंज में आता है, 4.5 से 5.49 वाली रेंज में। तो यहाँ पर 5.12 में से 4.5 कम करते हैं तो हमें मिलता है 0.62। यहाँ मिनिमम परसेंटेज 65 है तो हम 65 में 0.62 को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो ये होता है 65 प्लस 0.62 मल्टीप्लाइड बाई 10, 65 प्लस 0.62 × 10 मतलब 65 प्लस 6.2 जो 71.2 बनता है, प्रतिशत बनता है। इस तरह से बाकी कैलकुलेशंस भी हम कर सकते हैं। दूसरी टेबल जो दी गई है वो हर 0.1 के चेंज के साथ परसेंटेज में किस तरह का चेंज आता है उनकी एक टेबल दी गई है। ये 0.1 से स्टार्ट होकर 6.0 तक जाती है, यहाँ पर लगभग सभी वैल्यूज दी गई हैं। दशमलव के बाद में एक अंक तक के CGPA के लिए परसेंटेज दी गई है। यदि हमें इससे आगे वाली निकालनी है तो पिछले पेज में दी गई टेबल के अनुसार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम इसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं, और प्रोग्राम में हम दो फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, PER1 एंड GRADE1। ये प्रोग्राम आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, मेन फंक्शन में भी सब कुछ कर सकते हैं। मैंने यहाँ फंक्शंस से सब कुछ कैलकुलेट किया है, और यहाँ पर दो फंक्शन हैं वो आगे मैं दिखाऊंगा। तो आगे इस आगे के पेज में इनको मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो मेन फंक्शन है, ये स्टार्ट होने से पहले दो फंक्शन है, PER1 एंड GRADE1, दोनों का इनपुट रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर रिटर्न करेंगे, एक परसेंटेज टू CGPA कैलकुलेट करेगा, दूसरा CGPA इनपुट लेगा, परसेंटेज कैलकुलेट करके देगा। PER1 फंक्शन है, वो परसेंटेज इनपुट में लेगा और CGPA कैलकुलेट करके देगा। इसी तरह से GRADE1 फंक्शन है, वो CGPA इनपुट लेगा, परसेंटेज कैलकुलेट करके देगा। मेन फंक्शन में देखा जाए तो मैंने पहले इंस्ट्रक्शंस प्रिंट किए हैं, जहां मैं कह रहा हूं कि CGPA से परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए 1 प्रेस करें और परसेंटेज से CGPA कन्वर्जन के लिए 2 प्रेस करें। जो भी आप 1 या 2 प्रेस करेंगे उसको ये रीड करेगा, आई में उसकी वैल्यू स्टोर करेगा, फिर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। यदि आई की वैल्यू 1 है तो ग्रेड रीड की जाए और कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज PER1 फंक्शन को कॉल करके वहां से परसेंटेज कैलकुलेट की जाए और उसको प्रिंट किया जाए। यहाँ 0.2F इसलिए लिखा है कि दशमलव के बाद में दो डिजिट ही प्रिंट हों, पॉइंट के बाद में दो डिजिट ही प्रिंट हों। इसी तरह से आई की वैल्यू यदि आपने 2 दी है तो ये
आपसे परसेंटेज मांगेगा और उस परसेंटेज से ग्रेड वन फंक्शन को कॉल करेगा, और ग्रेड वन फंक्शन है वो ग्रेड कैलकुलेट करेगा और उनको प्रिंट करेगा। यहाँ मैंने प्रिंट करते समय परसेंटेज सी भी लिखा, मतलब एक करेक्टर भी प्रिंट कर रहा हूँ और वो करेक्टर परसेंटेज है। परसेंटेज को हम बैकस्लैश परसेंटेज से भी प्रिंट कर सकते हैं या एज ए करेक्टर करेक्टर रीड करके प्रिंट कर सकते हैं। यदि आपने आई की वैल्यू वन या टू के अलावा कोई दी है तो यहाँ फंक्शन में मैंने प्रिंट करवा दिया है कि यदि इन दोनों के अलावा कोई वैल्यू दी जाती है तो प्रोग्राम प्रिंट करेगा योर चॉइस इज नॉट गुड थैंक्स। अब बात आती है कि फंक्शंस क्या हैं, तो हम दोनों फंक्शंस को देख लेते हैं। पहला फंक्शन है PER1 जिसमें ग्रेड इनपुट होती है और वो परसेंटेज कैलकुलेट करता है। तो ग्रेड जैसा कि ऊपर टेबल में हम देख रहे थे, यदि ग्रेड 0.5 से कम है तो परसेंटेज की वैल्यू जो भी ग्रेड की वैल्यू है उसको 50 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगी, और इसी तरह से यदि हम प्रोग्राम में देखें तो प्रोग्राम में लिख दिया यदि ग्रेड की वैल्यू 0.5 से कम है तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और ये परसेंटेज होगी। यदि ग्रेड की वैल्यू 0.5 से कम नहीं है तो ये आगे वाली कंडीशंस को चेक करेगा, और दूसरी कंडीशन हमने लिखी है ग्रेड की वैल्यू 1.5 से भी कम है तो सीधी सी बात है 0.5 के कोरस्पॉन्डिंग ने ग्रेड की थी 25 में कुछ ऐड करेगा तो ग्रेड की जो वैल्यू है उसमें से 0.5 कम करके उसको ऐड से मल्टीप्लाई करने पर परसेंट जो बनता है उसको 25 में ऐड कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। और इस तरह से सभी वैल्यूज कैलकुलेट करके रिटर्न कर दी गई हैं। यदि ग्रेड की वैल्यू 6 है तो ये रिटर्न 100 करेगा, और 6 ये जो CGPA सिस्टम है इसमें ग्रेड मैक्सिमम 6 होती है, इसलिए इसको इस तरह से लिखा गया है कि 6 से ज़्यादा देने पर भी ये 100 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि 100% से ज़्यादा मार्क्स यहाँ नहीं दिए जा सकते। इसी तरह से हम ग्रेड टू परसेंटेज कन्वर्टर देखें तो उन फॉर्मूलाज को उल्टा कर दिया और ये फॉर्मूला बन गए। अब हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। कंपाइल करने में प्रोग्राम ने कोई गलती नहीं दिखाई और रन किया, वन प्रेस किया, ग्रेड मांगी गई, हमने जो एग्जांपल में दी गई है 5.73 उसी को लिया, CGPA कैलकुलेट करके 86.5 आई जो कि परफेक्टली सही है। दोबारा रन किया, ग्रेड की वैल्यू 4.34 दी, परसेंटेज की वैल्यू 63.4 आ गई, फिर से मैच कर गई। इसी तरह से हमने CGPA परसेंटेज टू CGPA कन्वर्ट करके देखना चाहे, यदि परसेंटेज की वैल्यू 63.4 देता हूँ तो भी ये CGPA की वैल्यू 4.34 कैलकुलेट करके देता है, और ये कुछ रन करके चेक किए हुए रिजल्ट्स यहाँ दिखा रहा हूँ। वीडियो ठीक होगा, थैंक यू।